हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अयाज एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वेलफेस। दोस्तों, फेस वॉश एक ऐसा रूटीन होता है, फेस वॉश जो कि हर कोई अपनी लाइफ में फॉलो करता है, यानी कि फेस वॉश हर किसी को ज़रूरत होती है, फेस वॉश मटेरियल की या बोल सकते फेस वॉश प्रोडक्ट की। फेस वॉश हर कोई करता है अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, रिजुविनेट रखने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए, यानी स्किन को साफ रखने के लिए अपने फेस की। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों, हम एक आहा गिलो फेस वॉश के बारे में, क्योंकि ये फेस वॉश बाकी फेस वॉश से काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट इसमें कंटेंट है और इसका रिजल्ट भी काफ़ी डिफरेंट है। बोला जाए तो एक फेस वॉश बहुत ही काफ़ी अच्छा है, इसके क्या क्या फ़ायदे बेनिफिट्स हैं वो आपको सारा इस वीडियो में आज मैं बताऊँगा। बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी टैप कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए दोस्त, जो फेस वॉश की रेंज आती है मार्केट में, जो भी अवेलेबल है कॉस्मेटिक के फेस वॉश, उसमें कॉस्मेटिक की रेंज में हम बोल सकते हैं कि फेस वॉश में कुछ केमिकल भी होते हैं और कुछ फोमिंग मटेरियल भी होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा वो फोम एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपना जो है असर दिखाते हैं। पर कुछ फेस वॉश अनसेफ भी होते हैं, जिसका मैं नाम तो नहीं लूँगा एक पर्टिकुलर फेस वॉश का, पर हम देखें तो आजकल मार्केटिंग गिमिक इस तरह से बढ़ चुकी है कि फेस वॉश में रिजल्ट इन्हांस करने के लिए मटेरियल को उतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मतलब रिजल्ट विजिबल दिख रहा है पर एक्चुअल में स्किन के लिए वो सेफ नहीं है, अनसेफ है स्किन, जिससे अनहेल्दी होती है और रिंकल्स ज़्यादा आते हैं, कुछ टाइम बाद स्किन में पैचेज आते हैं या स्किन ड्राई होने लगती है। लेकिन आहा गिलो फेस वॉश में ऐसी शिकायत आपको कभी नहीं आएगी। ये फेस वॉश इस तरह से काम करता है कि आपकी स्किन को ज़्यादा टाइम तक मेंटेन रखता है। अगर लंबे समय तक आप इस फेस वॉश को यूज़ करेंगे तो उसका आपको रिजल्ट ज़्यादा लंबे समय तक रिलायबल भी रहेगा। देखिए क्या होता है, फेस वॉश में जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस फेस वॉश का जो बेस है, जिसमें इस फेस वॉश के कंटेंट को मिलाया गया, वो 80% प्योरीफाइड वाटर बेस है, यानी कि जो जेल का फॉर्म इसमें मेंटेन किया गया है वो वाटर बेस है, जिसकी वजह से आपके फेस में कोई भी चीज़ बोल सकते हैं फेस पे स्टिक नहीं होगी, यानी कि वो पूरा वॉश होकर अवे हो जाएगा, जो भी डर्ट या पॉल्यूशन या भी गंदगी जो फेस पे होगी वो आपकी आसानी से निकल जाएगी। जिसका फायदा ये भी है कि स्किन में एक मॉइस्चर लिमिट आपकी बनी रहेगी और स्किन ज़्यादातर सेफ रहेगी, आपके रिंकल्स बढ़ने नहीं पाएंगे। तो अब हम बताते हैं आपको इस फेस वॉश के फायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला इसमें है कि ये स्किन टोन को इवन करेगा, यानी कि स्किन टोन को पहले से और भी ज़्यादा निखारेगा और फेस की स्किन टोन पहले से ज़्यादा और अच्छी होगी। रेगुलर इससे आप क्लीन करेंगे तो वो आपको मेंटेन होगा। दूसरा रहेगा तो उसमें आपको रिंकल्स फ्री स्किन मिलेगी, मॉइस्चर इतना अच्छा से बैलेंस रहता है इस फेस वॉश में वाटर बेस्ड होने की वजह से, कि आपके स्किन जो रिंकल्स आते हैं आपके साइड में स्किन में, वो उसको मेंटेन करेगा और रिंकल्स को कम करने में भी हेल्प करेगा और लंबे समय तक रिंकल्स को बढ़ने नहीं देगा। तीसरा रहेगा दोस्तों इसमें मॉइस्चर बैलेंस, आपके स्किन में होने वाले मॉइस्चर को बैलेंस करेगा ऑल सीजन में। अक्सर हम देखते हैं फेस वॉश अगर हम ठंड के मौसम में यूज करते हैं तो मॉइस्चर आपके चेहरे पे कम हो जाता है, रूखापन आ जाता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा। 80% प्योरीफाइड वाटर बेस होने की वजह से इसका जो जेल फॉर्म है वो आपके मॉइस्चर को बैलेंस रखेगा, आपकी स्किन को आपके फेस को लंबे समय तक मॉइस्चराइज करता रहेगा, जिससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी हो। चौथा इसका मेजर बेनिफिट है दोस्तों कि ये आपके जो पोर्स होते हैं स्किन में अनक्लॉग करेगा, यानी पोर्स को साफ भी करेगा और उसमें कोई भी आपके फेस वॉश का जो बोल सकते हैं मटेरियल है या जो भी कंटेंट है उसको जमने नहीं देगा, यानी पोर्स को पूरा क्लीन करेगा, जिसकी वजह से स्किन टोन और भी ज़्यादा इवन होगी आपकी और उसके साथ साथ आपका चेहरे में कलर भी फेयर हो। दोस्तों, अच्छे रिजल्ट के लिए आप दिन में इसको 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका आपको रिजल्ट बनेगा, यानी दिन भर आपके स्किन हाइड्रेट रहेगी और इसके साथ साथ क्लीन भी रहेगी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको बताऊंगा कि अगर इस फेस वॉश का यूज़ आप रेगुलर बेस पे कर रहे हैं तो कोशिश करें आप जो साबुन है आपके घर का नहाने का साबुन होता है उसको ज़्यादातर फेस पे यूज़ ना करें, क्योंकि फिर वो आपके मॉइस्चर को रिमूव करेगा और फिर स्किन आपकी दोबारा से अनरिपेयर हो जाएगी या बोल सकते हैं आपकी खराब हो जाएगी या रूखापन आ जाएगा। तो कोशिश करें अगर इस फेस वॉश का यूज़ करें तो अगर किसी साबुन को आप फेस पे ना लगाएं, क्योंकि एक बार अगर स्किन हाइड्रेट हो रही है इससे तो दोबारा अनहाइड्रेट हो जाएगी आपके दूसरे प्रोडक्ट से। तो कोशिश करें इसका कंटिन्यू बेस पे यूज़ करें, कंटिन्यू आप इसका यूज़ करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा और आपकी स्किन हेल्दी, ब्राइटर और इसके साथ साथ रिंकल फ्री भी हो जाएगी। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे वेल, हेल्दी, अवेयर एंड गुड बाय।